नमो नमः मित्राणि, नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः एक नए पाठ और बहुत ही रोचक सुंदर, जिसे आप अपनी भाषा में कह सकते हैं चटपटा पाठ, लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज है अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए पहेलिका, अर्थात संस्कृत की पहेलियाँ। आपने कहानियाँ खूब सुनी, आपने सुभाषितानी के श्लोक सुने, आपने प्रश्नोत्तर अभ्यास देखे, आपने शब्दार्थ सुने, आपने अपने इस रुचिरा पाठ पुस्तक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी सुनी हैं जो नैतिक शिक्षा के लिए आवश्यक है, जो आपके पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है, जो परीक्षोपयोगी है, जो जीवनोपयोगी है। लेकिन आज कुछ बुद्धिवर्धक और कुछ सुरुचिपूर्ण पहेलिकाएँ, संस्कृत की पहेलिकाएँ लेकर मैं उपस्थित हूँ, आपका मित्र डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं संस्कृत की पहेलियाँ, जिसे हम संस्कृत में पहेलिका कहते हैं। आप सब से मेरा निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानप्रद लगे, बुद्धिवर्धक लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि ज्ञान प्रवाह का यह संस्कृत पाठ, यह संस्कृत ज्ञान गंगा आप तक अनवरत पहुंचते रहे। तो आइए सुनते हैं पहेलिका। मित्रों, आपने हिंदी में, लोक भाषाओं में, अन्य भाषाओं में पहेलियां सुनी होंगी, हो सकता है संस्कृत में भी सुनी होंगी, लेकिन जो संस्कृत की पहेलियां होती हैं वो अन्य भाषाओं से थोड़ा हटकर होती हैं। वो आपके बुद्धि के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और ज्ञान के उस समीकरण को प्राप्त करने के लिए भी होता है, जहाँ पर आप मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्राचीन काल में जब आश्रमों में, गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे, तो खेल खेल में वे पहेलियाँ बोलते थे, पहेलिकाह बोलते थे, जिससे उनकी बुद्धि भी बढ़ती थी, उससे उनका ज्ञान भी बढ़ता था। ये प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका, जिसे हम हिंदी में पहेली कहते हैं, बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मैं श्लोक वाचन करूंगा, पहेलिका का अर्थ बताऊंगा, उसका उत्तर भी बताऊंगा, प्रश्नोत्तर अभ्यास भी हम करेंगे, शब्दार्थ भी करेंगे। आप सब से निवेदन है कि बहुत ध्यान से इस पाठ को सुने और आनंद विभोर होकर ज्ञान प्राप्त करें। कस्तूरी जायते कस्मात, पहली पहेलिका है। मैं पहेलिका शब्द का ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि आप संस्कृत वर्ग में हैं, संस्कृत कक्षा में हैं, और आप संस्कृत वीडियो के माध्यम से संस्कृत सीख रहे हैं, इसलिए मैं पहेलियाँ के स्थान पर पहेलिका बोलूंगा, ताकि आप सबको संस्कृत का शब्द भी अवगत होता रहे। पहेलिका, एक वचन में पहेलिका और बहुवचन में पहेलिका, ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं पहली पहेलिका। कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करिणाम कुलम, किं कुर्यात् कातरो युद्धे, मृगात् सिंहः पलायते। मित्रों, बहुत अच्छी बात है कि पहेलिका के इस श्लोक में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आइए देखते हैं, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, को हन्ति करिणाम कुलम, को हन्ति करिणाम कुलम, अर्थात जानवरों का जो कुल है उसे कौन बर्बाद करता है, उसका कौन हनन करता है, उसे कौन खाता है, कौन पीता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, जो कायर होते हैं वे युद्ध में क्या करते हैं, मृगात् सिंहः पलायते, मृग को देखकर शेर भाग गया। जी, यह जो आखिरी उत्तर है, यह जो आखिरी लाइन है, सभी प्रश्नों का यही जवाब है, मृगात् सिंहः पलायते। आप जो सोच रहे हैं
कि मृग को देखकर शेर भाग गया, यही तो पहेली है, यही प्रहेलिका है कि मृग को देखकर शेर कैसे भाग जाएगा। तो ये जो आखिरी पंक्ति है यह आपके सभी प्रश्नों का जवाब है कि मृगात सिंहः पलायते। पहले प्रश्न का उत्तर होगा मृगात अर्थात मृग से, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा सिंहः अर्थात शेर, और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा पलायते अर्थात भाग जाता है। आइए कुछ ऐसे समझते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात, पंचमी एक वचन अर्थात मृग से। को हन्ति करिणां कुलम, जानवरों के कुल को कौन मारता है? सिंहः अर्थात शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर जो होते हैं युद्ध के मैदान में क्या करते हैं? पलायते। तो हमारा यह जो तीन प्रश्न था, इन तीनों प्रश्नों का जो आखिरी लाइन है यह उसका उत्तर है, मृगात सिंहः पलायते। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, शेर जानवरों के कुल को खा जाता है, नष्ट कर जाता है, और जो कायर है वे युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। आप संस्कृत पुस्तक के माध्यम से प्रहेलिका का उच्चारण करें, घर में अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या स्कूल में अपने विद्यार्थियों के साथ, दोस्तों के साथ मनोरंजन करें। आइए देखते हैं दूसरी प्रहेलिका। सीमंत नीशु का शांता, राजा को भूत गुणोत्तमः, विद्वद्भिः का सदा वंद्या, अत्रैवोक्तम् न बुध्यते। सीमंतनीषु का शांता, नारियों में सबसे शांत और आदर्श नारी कौन है? आपका प्रश्न है, प्रहेलिका का प्रश्न है, ध्यान दें। सीमंतनीषु का शांता, नारियों में, स्त्रियों में, महिलाओं में सबसे शांत और आदर्श कौन है? राजा को भूत गुणोत्तमः, ऐसा कौन राजा हुआ जो बहुत गुणवान हुआ, बहुत उत्तम हुआ, बहुत सर्वोत्तम हुआ? विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा वंदनीय कौन है? अत्रैवोक्तम् न बुध्यते, जो समझता है वही विद्वान है, बताइए कौन है? तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। आइए देखिए, सीमंतनीषु का शांता, पहले लाइन का पहला वर्ण सी और आखिरी शब्द का आखिरी वर्ण ता अर्थात सीता। सीमंतनीषु का शांता सीता, नारियों में आदर्श कौन है? सीता। राजा को भूत गुणोत्तमः रामः, पहले शब्द का पहला वर्ण और आखिरी शब्द का आखिरी वर्ण, कि राजाओं में सबसे आदर्श और गुणोत्तम कौन है? तो राम अर्थात राम। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों में वंदनीय कौन है? विद्या, पहले शब्द का पहला वर्ण और आखिरी शब्द का आखिरी वर्ण, विद्या। तो मित्रों, पहले प्रश्न का जवाब है सीता, जो नारियों में आदर्श हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब है राम, जो राजाओं में आदर्श हैं। और तीसरे प्रश्न का जवाब है विद्या, जो विद्वानों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, आराध्य है, पठनीय है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो हमेशा विद्या से लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, पठन पाठन करते रहते हैं। आइए देखिए तीसरी प्रहेलिका। कम संजगहान कृष्णः, बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। कम संजगहान कृष्णः, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। अर्थात कम संजगहान कृष्णः, कृष्ण ने किसका वध किया? इस प्रहेलिका में जो पहला शब्द है वही आपके प्रहेलिका का उत्तर है। देखिए, कम संजघान कृष्णः, कृष्ण ने किसका वध किया? कंस, कंस का।
पहला शब्द है कंस। आप अपने संस्कृत पाठ्यपुस्तक में देखें प्रहेली का पंचदशह पाठ है कंस का वध किया। काशीतलवाहिनी गंगा, काशीतलवाहिनी जो काशी में बहती है, काशीतलवाहिनी जो काशी में बहती है, बनारस में बहती है, वो बहुत ही शीतल वाहिनी है, बहुत ही स्वच्छ है और निर्मल है। केदार पोषण रता, कौन ऐसी महिलाएं हैं जो खेत के कार्य में संलग्न है। केदार पोषण रता, खेत के कार्य में कौन संलग्न है, तो उसका उत्तर होगा केदार। केदार का मतलब होता है कि जो हमारी जो महिलाएं हैं जो खेत के काम में काम कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, वे महिलाएं। मित्र, दारा शब्द संस्कृत में स्त्री का पर्यायवाची है, तो आप ध्यान रखें खेत के कार्य में कौन संलग्न है, तो केदार अर्थात महिलाएं। ठीक है। कम्बलवंतम नबाधते शीतम, किसको ठंडी नहीं लगती है, किसको ठंडी नहीं लगती है, वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। कम्बलवंतम नबाधते शीतम, किसको ठंडी नहीं लगती है, तो कम्बलवंतम जिसके पास कंबल है, जो कंबल ओढ़ कर बैठा है या लेटा है उसे ठंडी नहीं लगती। तो काशी तलवाहिनी इसका अर्थ हुआ काशी के भूमि पर वहने वाली अर्थात गंगा। दार पोषण रताह, पत्नी के पोषण में संलग्न। केदार पोषण रताह, खेत के कार्य में संलग्न। ठीक है। दार पोषण रताह का अर्थ हुआ पत्नी के पोषण में जो संलग्न है, खेत के कार्य में जो संलग्न है, उन्हें हमेशा यह प्रश्न उनके लिए है अर्थात किसानों के लिए, किसान उसका उत्तर होगा, और जिसके पास कंबल है उसे ठंडी नहीं लगेगी। अब देखते हैं चौथी प्रहेलिका। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी, जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघ। बहुत ही सुंदर है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, बहुत ही सुंदर है। आपने इस प्रहेलिका को जो संस्कृत पढ़ते हैं कई बार सुना होगा कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। मित्रों, पक्षी का राजा गरुड़ को कहते हैं। पक्षी का राजा किसे कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। तो वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, पेड़ के ऊपर है लेकिन वो गरुड़ नहीं है, पक्षियों का राजा नहीं है। ध्यान से सुनिए क्या होता है। त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला है अर्थात शिव है लेकिन शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी कहते हैं शंकर को, जिनके हाथ में त्रिशूल है। जिनके हाथ में त्रिशूल है उन्हें हम शंकर कहते हैं। तो तीन आँख वाला है लेकिन शंकर नहीं है, शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी नच सिद्धि योगी, वो त्वचा का वस्त्र पहन रखा है, जटाओं से युक्त है लेकिन योगी नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघ, उसके अंदर जल है, पानी है लेकिन वह मेघ नहीं है, बादल नहीं है। तो बताइए क्या होगा? इसका बहुत अच्छा उत्तर है नारिकेलम अर्थात नारियल। नारियल का जो फल होता है वो पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर रहता है, और जब आप नारियल को छिलते हैं, उसे काटते हैं, देखते हैं, तो उसमें तीन बिंदु बिंदु जैसा होता है जहां से छेद करके उसका पानी निकाला जाता है, उसे हम त्रिनेत्र कहते हैं अर्थात वो तीन आँखें हैं। त्वग वस्त्रधारी, जब आप नारियल को छीलते हैं तो उसकी वो जटाएं निकलती हैं, जटाओं जैसा होता है, पर वो योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघ, और नारियल फल के अंदर पानी होता है, जल होता है, हमारे पेट के लिए और शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका मतलब हुआ नारिकेलम अर्थात नारियल। मैं पुनः एक बार इस प्रहेलिका को बोलता हूँ, आप ध्यान से सुने। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज,
त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी नच सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन न घटो न मेघ, अर्थात नारिकेलम नारियल। आखिरी प्रहेलिका आपकी है, बहुत ही रुचिकर है, ध्यान से देखें। भोजनांते च किम पेयम, यह ज्ञानप्रद भी है और अपने शरीर के लिए फायदेमंद भी है, आप इसका पालन कर सकते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? मित्रों पानी नहीं पीना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। जब भी भोजन करें तो अंत में पानी कभी न पिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो। आप 40 मिनट 45 मिनट के बाद ही पानी पिए। भोजनांते च किम पेयम, यह मैं प्रहेलिका के अंत में बताऊंगा। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका बेटा है, सुतः अर्थात बेटा और सुता अर्थात बेटी, ध्यान रखेंगे ये पर्यायवाची शब्द है बेटा और बेटी के लिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण के लिए सुतम शब्द का प्रयोग आया है, वसुदेव सुतम देवम, ठीक है। तो जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका बेटा है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, अर्थात स्वर्ग जो है, मोक्ष जो है, स्वर्ग का जो द्वार है वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग के द्वार को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरी लाइन के बाद जो चौथी लाइन है आपके सभी प्रश्नों का जवाब है। पहला शब्द तक्रम, तक्रम बोलते हैं मट्ठे को। जब मट्ठा में आप जीरा काला नमक डालते हैं तो तक्रम बनता है। आज भी कर्नाटक में, केरला में, आंध्र प्रदेश में खाना खाने के बाद तक्रम पीने का रिवाज है। तक्रम दही से बना हुआ वह तरल पदार्थ जिसे हम पूर्वांचल में या उत्तर भारत में मट्ठा कहते हैं, उस मट्ठे में जब हम जीरा काला नमक और भी कुछ चीज़ें जब डालते हैं उसे हम तक्रम कहते हैं, वो बहुत ही सुपाच्य होता है। खाना खाने के बाद तक्रम पीना चाहिए, अर्थात मट्ठा पीना चाहिए, वो भी जीरा और काला नमक देकर, वह आपके पेट के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ तक्रम। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका बेटा है, शक्रस्य अर्थात भगवान इंद्र का, भगवान इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विष्णु के द्वार हम कैसे जा सकते हैं, दुर्लभम, यह बहुत दुर्लभ है, यह बहुत कठिन है, लेकिन तपस्या कर कर भगवान विष्णु को खुश करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम में पहुंच सकते हैं। तो एक बार पुनः देखें कि भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम। जयंतः कस्य वै सुतः, शक्रस्य। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, दुर्लभम। तो इस तरह आपकी जो पांच प्रहेलियां हैं, इन पांचों प्रहेलिकाओं के उत्तर आपकी प्रहेलिका में ही है। आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, कुछ बुद्धि लगाएं और आप देखेंगे कि उसी प्रहेलिका में आपके प्रश्नों का जवाब भी है। तो आप घर में अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को इन प्रहेलिकाओं को सुनाएं और अपनी भी बुद्धि बढ़ाएं, दूसरों की भी बुद्धि बढ़ाएं। मित्रों इस पाठ में शब्द और प्रश्नोत्तर अभ्यास भी है, उसका हम वाचन करेंगे, लेकिन इसके पहले योग्यता विस्तार में दो तीन और प्रहेलिका दी हुई है, उसका हम वाचन करेंगे और आपको उसका उत्तर बताएंगे योग्यता विस्तार में। आइए देखिए। चक्री त्रिशूली नहरो न विष्णु महान वलिष्ठो न च भीमसेन स्वच्छंदगामी न च नारदोपी सीता वियोगी न च रामचंद्र। क्या हुआ, अर्थ बता रहा हूं। चक्री त्रिशूली नहरो न विष्णु, उसके सिर पर चक्र है, त्रिशूल का चिन्ह है, लेकिन न वो भगवान विष्णु है और न वो
हरि का ही रूप है, न हरो न विष्णु, न उस शिव का रूप है और न विष्णु का रूप है। क्या हुआ, बुद्धि लगाइए। महान बलिष्ठो नच भीम सेना, बहुत ताकतवर है लेकिन वो भीम नहीं है, बुद्धि लगाइए। स्वच्छंद गामी नच नारदोपी, स्वच्छंद होकर वह घूमता है टहलता है लेकिन नारद भगवान नहीं है। सीता वियोगी नच रामचंद्र, ऐसा लगता है कि सीता के वियोग में इधर उधर घूम रहा है लेकिन वो भगवान राम नहीं है, रामचंद्र नहीं है। तो क्या हुआ आप बताएं, मैं बताता हूँ। वृषभ, वृषभ आप कह सकते हैं कि जो गली में आप बनारस में अक्सर देखेंगे या आप बनारस का दृश्य गूगल में देख सकते हैं, जो बनारस में सांड होते हैं, सांड ही बोलते हैं ना, जो मतलब आप बैल का दूसरा रूप, आप बैल नहीं कह सकते हैं, बैल और सांड में अंतर है, तो जो सांड होते हैं उसको संस्कृत में वृषभ कहते हैं। उसके आगे त्रिशूल का निशान होता है, भगवान विष्णु के और भगवान शिव के चिन्ह होते हैं, वह बहुत ताकतवर होता है, बलिष्ठ होता है और इधर से उधर घूमता रहता है और ऐसा लगता है कि भगवान राम सीता के वियोग में घूम रहे हैं और जहाँ भी वो खड़ा होगा बिल्कुल शांत होकर उसे एकदम वियोग के रूप में आप देखेंगे। यदि आप उसको छेड़छाड़ न करें आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप जा सकते हैं आ सकते हैं। बनारस के गलियों में आम तौर पर सांड देखे जाते हैं और वो बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। तो इसका उत्तर होगा वृषभ, वृषभ अर्थात बैल या सांड कह सकते हैं। दूसरी पहेलिका देखिए, नतस्यादिर्नतस्यांतः मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वत्। उसका कोई अंत नहीं है, उसके दृष्टि का कोई अंत नहीं है, वह अपने चेहरे के मध्य भाग में है और दोनों भाग में है, हमारे पास भी है आपके पास भी है, बताइए क्या है। नयनम, नयनम अर्थात आँखें, दो आँखों के लिए कहा, ये आपके पास भी है हमारे पास भी है और इस दृष्टि का कोई अंत नहीं है कि कितनी इसकी दृष्टि है। एक और सुना देता हूँ, बहुत अच्छी पहेलिका है, बहुत ध्यान से आखिरी पहेलिका है सुनिए। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अमुखो दूरगामी च, उसके पैर नहीं है, अपदो दूरगामी च, उसके पैर नहीं है लेकिन बहुत दूर तक चलता है, वह साक्षर नहीं है लेकिन विद्वान है पंडित है, उसके मुख नहीं है लेकिन वो खूब बोलता है, जो जानता है वही पंडित है, बताइए क्या होगा। पत्रम, जी हाँ आपने सही समझा, पत्रम अर्थात लेटर। अब तो पत्र लिखने की परंपरा चली गई, नहीं तो जब पत्र लिखे जाते थे गांव की महिलाएं पत्र लिखती थीं अपने पतियों के लिए, दिल्ली या मुंबई या महाराष्ट्र में जो लोग काम करते थे, पत्र का इंतजार होता था, वो हमारी संस्कृति थी, कितनी अच्छी संस्कृति थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन पत्रों के पास पैर नहीं होता था और वो यूपी बिहार के गाँव से दिल्ली या महाराष्ट्र तक या विदेशों तक भी पहुँच जाता था, वह साक्षर नहीं था लेकिन वो विद्वान था, सब कुछ बोल लेता था, उसके पास मुख नहीं थे लेकिन वो खूब बोलने वाला होता था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पत्रम, पत्रम अर्थात लेटर। तो आप लोग भी पत्र लिखिए। तो इस तरह यह जो पहेलिका है, ये पहेलियां हैं, संस्कृत की और भी पहेलियां हैं, संस्कृत में बहुत सारी पहेलियां लिखी गई हैं, अब तो पहेलियों का भी जमाना जा रहा है, हिंदी इंग्लिश में भी पहेलियां सुनने को नहीं मिलती हैं, लेकिन आप सब बच्चों से मेरा निवेदन है कि पहेलियां पढ़ें सुनें देखें, अपनी संस्कृत पुस्तिका में उसे लिखें और घर में जब खाली बैठे हों, जब पापा मम्मी चाय पर बैठे हों, तो आप इन पहेलियों को सुनाएं और आनंद का अनुभव करें। आइए देखते हैं शब्दार्थ, ताकि कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता चले। हंती मारता है, मारती है, मैंने आपको बता रखा है कि जो संस्कृत की क्रियाएं होती हैं वो मेल और फीमेल के लिए एक ही होती हैं, जैसे पठती पढ़ता है पढ़ती है, लिखती लिखता है लिखती है, गच्छति जाता है जाती है, ऐसे। तो हंती मारता है मारती है, कातरह कमजोर,
सीमंतनीषु नारियों में को भूत कह अभूत कौन हुआ संजंघान संजघान मारा गया कंसंजघान कंस को मारा शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली अर्थात गंगा काशी में बहने वाली गंगा काशी तल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली दार पोषण रता पत्नी के पोषण में संलग्न केदार पोषण रता खेत के कार्य में संलग्न बलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला वृक्ष प्लस अग्रवासी पक्षी राजा पक्षियों का राजा गरुड़ त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव शूल पाणी ही जिनके हाथ में त्रिशूल है शंकर त्वग अर्थात त्वचा छाल बिभ्रन धारण करता हुआ विष्णु पदम स्वर्ग मोक्ष तक्रम छाछ मट्ठा जरूर पिए और गर्मी के दिनों में तो जरूर पीना चाहिए शक्रस्य अर्थात इंद्र का ये कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आप संस्कृत पुस्तिका में जरूर लिखें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत श्लोकों में रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं बड़े प्यारे शब्द हैं और आपके पाठ में हुए शब्द हैं वहां से पढ़कर आप उसे लिखें। सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम तो आपको उसमें लिखना है शांता और कोभूत। ख देखिए कंसंजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा तो पहले में आप लिखेंगे कृष्ण दूसरे में लिखेंगे शीतल वाहिनी। केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम तो आपको लिखना है दार पोषण रता और दूसरे में बलवंतम। घ में वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी तो घ में आप लिखेंगे पक्षीराज त्रिनेत्रधारी। अभ्यास संख्या दो श्लोकांशान योजयत मैचिंग करना है। देखिए किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंहः पलायते बहुत सुंदर विद्वद् भी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते बहुत आसान है आप आराम से संस्कृत पुस्तिका में लिखें और परीक्षा में भी लिखें। कम संजघान कृष्ण काशीतल वाहिनी गंगा कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अभ्यास संख्या तृतीय देखें उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न लिखत यहाँ पर आपको आम और न आम का मतलब होता है यस अर्थात हाँ न का मतलब होता है नहीं तो जो सही है उसके आगे आपको आम लिखना है जो गलत है उसके आगे न लिखना है आप सही और गलत का निशान भी दे सकते हैं। सिंहः करिणाम कुलम हंती आम यस हाँ कातरो युद्धे युद्ध्यते न जो कायर होते हैं युद्ध में युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं करते भाग जाते हैं तो आप लिखेंगे न अर्थात गलत है। कस्तूरी मृगात जायते आम यस हाँ मृगात सिंहः पलायते न नहीं गलत। कंसः जघान कृष्णम कंस ने कृष्ण को मार दिया नहीं गलत तो आप लिखेंगे न और गलत का निशान लगाएंगे। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम जो तक्र है मट्ठा है वो इंद्र भगवान के लिए दुर्लभ है सही बात है क्योंकि इन सारी चीज़ों को इंसान भारत भूमि पर ही पा सकता है स्वर्ग में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं बेशक आप स्वर्ग के राजा इंद्र ही क्यों ना हो इसलिए लोग बार बार भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं कि यहाँ मट्ठा का भी स्वाद लिया जाए थोड़ा मक्खन मलाई भी खाया जाए तो आप लिखेंगे आम अर्थात यस अर्थात सॉरी तक्रम सक्रस्य दुर्लभम अर्थात न अर्थात नहीं।
मित्रों आपके पुस्तक में थोड़ा सा ग और च इन दो अभ्यास को गलत तरीके से लिखा गया है, आप उसे ठीक कर लेंगे। ग में आप लिखेंगे न और च में लिखेंगे आम अर्थात हाँ। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः तो आप लिखेंगे न अर्थात नहीं, क्योंकि जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं है। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र भगवान का पुत्र है। ठीक है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम वहां आप आम लिखेंगे और जयंतः कृष्णस्य पुत्र यहां आप न लिखेंगे। संधि विच्छेदम पूरयत आपको संधि विच्छेद करना है। करिणाम कुलम तो करिणाम प्लस कुलम, को भूत को प्लस अभूत। संधि विच्छेद का बहुत अभ्यास आपके परिशिष्टम में दिया हुआ है, आप बच्चे उसका जरूर अभ्यास करें। ठीक है, संधि हिंदी में भी आपको पढ़ना है, संस्कृत में भी पढ़ना है, आम तौर पर सभी भारतीय भाषाओं में संधियां होती हैं। तो इत्तेफाक से आठवीं कक्षा के रुचिरा इस पुस्तक में परिशिष्टम में संधि समझाई गई है, आप जरूर वहां पर पढ़ें देखें और उसका अभ्यास करें। तो अत्रैवोक्तम अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, वृक्षाग्रवासी वृक्ष प्लस अग्रवासी, त्वक वस्त्रधारी त्वक प्लस वस्त्रधारी, बिभ्रन न बिभ्रन प्लस न, तो ऐसे आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखित, आपके पुस्तक में शब्द लिखे हुए हैं पद लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है उसके लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। क्या लिखना है? लिंग विभक्ति और वचन। तो सबसे पहला शब्द है करिणाम सबसे पहला शब्द है करिणाम, तो करिणाम का लिंग क्या है? पुलिंग। विभक्ति क्या है? षष्ठी। वचन क्या है? बहुवचन। कस्तूरी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचनम, युद्धे पुलिंग सप्तमी एक वचनम, सीमंतनीषु स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचनम, बलवंतम पुलिंग द्वितीया एक वचनम, शूलपाणी पुलिंग प्रथमा एक वचनम, शक्रस्य पुलिंग षष्ठी एक वचनम। अभ्यास संख्या 6 देखें। विलोम पदानि योजयत आपको विलोम शब्द लिखने हैं। जायते म्रियते, गीता में आपने श्लोक पढ़ा होगा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस श्लोक में जायते और म्रियते दोनों शब्द आया है, दोनों एक दूसरे के पर विलोम शब्द हैं। जायते उत्पन्न होता है, म्रियते मर जाता है समाप्त हो जाता है। वीरः कातरः अशांता शांता, मूर्खैः विद्वद्भिः अत्रैव तत्रैव, आगच्छति गच्छति या पलायते भी आप कह सकते हैं, आगच्छति पलायते आता है और भाग जाता है। तो ये विलोम शब्द है, आप अन्य शब्दों को भी लिख करके संस्कृत पुस्तिका में अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा के दृष्टि से ज्ञान के दृष्टि से अभ्यास करना भी चाहिए। आइए देखते हैं अभ्यास संख्या 6 का आ, छठे का आ। समानार्थक पदम चित्वा लिखत, एक शब्द या एक क्रिया दी हुई है उससे मिलती जुलती क्रिया या मिलता जुलता शब्द आपको लिखना है, जिसको हम कहते हैं समानार्थक शब्द। करिणाम गजानाम, अभूत अभवत, वंद्या वंदनीया, बुध्यते अवगम्यते, घटः कुंभः, संजंघान
अमारयत संजधान, संजधान आप पढ़ सकते हैं, संजधान अमारयत। अभ्यास संख्या 7, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। कोष्ठकांतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदं पूरयत। इस कहानी को आप जानते हैं, कौवे की कहानी, जिसने घड़े में कंकर डालकर पानी को ऊपर किया और अपनी प्यास बुझाई थी। इसमें बीच बीच में शब्द नहीं है, वो आपको डालने हैं। मैं आपको यह पैराग्राफ पढ़कर और शब्द पूर्ण कर बताने का प्रयास करता हूँ। एक काकः आकाशे डयमानः आसीत्, त्रिसार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति, तदा सः घटे अल्पं जलं पश्यति, सः उपलानि आनीय घटे पातयति, जलं घटस्य उपरि आगच्छति, काकः सानन्दं जलं पीत्वा तृप्यति। कौवा आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। तो इस तरह यह जो पहेलियां हैं, ये जो पहेलियां हैं, संस्कृत में इसे आप प्रहेलिका कहते हैं, आपके बुद्धि के लिए, आपके ज्ञान के लिए और परीक्षा में अच्छे अंक के लिए भी लाभदायक हैं। आप इस वीडियो को खूब सुने, अनेक बार सुने, आपको ये सारी बातें, सभी प्रहेलिकाएं समझ में आ जाएंगी। खुद भी देखें सुने, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। यदि प्रहेलिका का यह संस्कृत वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। आप सब संस्कृत वीडियो का एक अभिन्न अंग हैं, हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि मित्रों, मैंने क्लास 6, 7, 8 के लिए, 6, 7, 8 के लिए संस्कृत रुचिरा पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास, शब्दार्थ अर्थात नैतिक शिक्षा की बातें संस्कृत वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप उसे देखें और खूब संस्कृत का ज्ञान अर्जित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।